से स्थापित करते हैं, कुछ काम करते हैं और मेरे पीठ पर ताली करते हैं। और एक बार जोर से बोला, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद भक्त नितलीला प्रतिष्ठम विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिद्धा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद श्रोतर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। शास्त्र में बताया अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हैं तो उसको चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए ये ग्रंथ की इतने महिमा क्यों। पहला नंबर बताए बोले भागवत कथा कौन सुन सकता है। सुखदेव गोस्वामी बोले कथा को वही सुन सकते हैं बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कथा वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो वही कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमने तो कोई पुण्य ही नहीं, हम तो जिंदगी भर पाप ही पाप किए। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे धुंधुकारी की कथा सुन रहे थे। इतने बड़े पापी कोई दुनिया में होगा नहीं। उसने पिताजी को इतने सताया पिताजी को, पिताजी घर छोड़कर भाग गए। मैया को इतने सताया, मैया कुएं में आत्महत्या की। घर में छह बेस्या को बुला करके रखा, किसी बच्चे को कुएं को पास में देखे तो धक्का मार कर गिरा देता था। किसी घर में आग लगाना, मतलब जगत में जितने बड़े से बड़े पाप हो सकता, जुआ दारू पीना मांस खाना सारे पाप इसने की थी। लेकिन जो इतने पाप की हमारे भारतीय संस्कार है, कोई मरने का बाद हम गया जाते हैं ना पिंड देने के लिए, क्योंकि वहां भगवान की गदा है, सिर्फ गया से ऊपर छाती के ऊपर में ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। भगवान ने कहा अगर कोई पितृ पुरुष के लिए यहाँ पर आए एक बार केवल पिंड दे दो उसकी जरूर मुक्ति मिले। लेकिन जब गोकर्ण ने पिंड दिया देखा भूत ढेर बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने जो पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले मैंने इतने पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो तभी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति मिली तो मिली कैसे, व्यक्ति को अगर मुक्ति मिली भैया हम तो जिंदा जिंदा कथा सुन रहे, फिर हमारी क्या उधार नहीं होगी। बोले जरूर हमारी भी उधार हो जाएगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए पापी से पापी सुन सकते हैं। अगर कोई बोले अरे हम सारे ग्रंथ पढ़ चुका है, गीता भागवत रामायण वेद हमने सब पढ़ चुका है, ये हमें सुनी सुनाई कथा कितने बार सुनेंगे, हम सब जानते हैं। तब यहाँ उदाहरण देते हैं, आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी कर ही नहीं सकते। जिसने मातृ गर्भ से जन्म होते ही 16 साल तक रहे और जन्म होते ही जंगल में चले गए और ऐसे ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति थे श्री सुखदेव गोस्वामी परम ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन भागवत का एक श्लोक इनके कान में पड़ गया,
पढ़ते ही उन्होंने सब कुछ ज्ञान ध्यान को त्याग दे करके उन्होंने आए और ये पूरी श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं बले राम कथा जय सोना ता राम कथा जय सोना ता और कृष्णा कथा जय सोना ता राम कथा बोले अरे कथा सुनते सुनते मैं बोर हो गया हूँ, कितने सुनी सुनाई कथा को सुनता। आप लोग रोटी खाते होंगे, अगर एक दिन अगर रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखा भैया। अगर रोटी में इतना आनंद हो सकता है, रस है, पर ठाकुर की कथा में कितने रस नहीं। कहते हनुमान जैसे जगत में कोई ज्ञानी नहीं बन सकते। कहते हनुमान कौन है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जितने ज्ञानियों में परम ज्ञान श्री हनुमत लाल जी। लेकिन जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, अगर करोड़ों जगह में प्रभु राम की कथा होना, सबसे पहले श्री हनुमत लाल जी आते हैं, हाथ जोड़ करके आंसुओं को बहाते हुए प्रेम में गदगद होकर के हनुमान की कथा सुनते। क्या हम हनुमान जी से बड़े ज्ञानी हो गए? सुखदेव गोस्वामी से बड़े ज्ञानी हो गए? इसलिए जो भगवान की जो कथा है, कहते प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, भगवान की कथा जितने सुना उतना लगता है कहीं जिंदगी में मैंने कभी सुनी नहीं कथा, जीवन में मैं पहला बार में कथा सुन रही हूँ। राधा रानी एक समय कृष्ण राधा रानी को साथ में कुंज में नहीं लगता है जीवन में कभी उनसे कभी मैं मिला ही नहीं, जीवन में मैं पहला बार मिल रहा हूं। क्योंकि प्रेम का एक लक्षण क्या हो गया भैया, कभी ये प्रेम का एक लक्षण है, जितने भगवान की कथा सुनाओ उतना लगता जैसे हम कभी भगवान की कथा सुनी नहीं। देखो ठाकुर जी को जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता होगा, कोई भगवान के कोई स्तुति करते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे, रोज पढ़ते कि नहीं, लेकिन कभी लगता है ये कभी पुरानी हो गई है? नहीं लगता है, क्योंकि जो भगवान है वो आनंद समुद्र भगवान कृष्ण है। इसलिए जितने सुना उतना लगता है जैसे हम लोग जिंदगी में सुने नहीं। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी और पापी से पापी भी ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। दूसरा नंबर में आता है कथा सुने तो सुनी कहाँ से, तब श्री पद्म पुराण कहता है अवर इसना उपदेष्टना मंत्रेणा निरयम प्रजे। उदाहरण दिया है कथा किससे सुननी चाहिए, बोले वैष्णव से कथा सुननी चाहिए, भगवान की भक्तों से कथा सुननी चाहिए। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के गले में तुलसी कंठी तिलक और भगवान के नाम कहते हैं, उनसे ही कथा सुननी चाहिए। सभी से कथा नहीं सुननी चाहिए, मना किया। बोले क्यों? देखो उदाहरण देकर समझाए, जैसे दूध, दूध पीने से शरीर में पुष्टि होता है, खुदा निवृत्ति होता है, तक शरीर में ताकत आती है। लेकिन वही दूध को अगर सांप ने मुंह में लगा दी, वो देखने के लिए तो दूध लगता है, लेकिन अगर उसको पियोगे तो ये मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं अगर ये भगवत कथा, इसलिए भगवान अपना माँ को कहते बोले माँ बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संप्रीतौ
भवंतीर्नरसायन गता ताज्यो सन आसु अपवर्ग वर्णनि श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रमिशति ब्रह्मा। मेरे संतों से ही कथा सुनो, वो जो कथा है बड़ी ताकतवान कथा, बड़ी बलवान कथा है, वही कथा सुनते सुनते ठाकुर जी चरण में श्रद्धा भक्ति और एक दिन ठाकुर जी स्वयं उनको प्राप्त हुए। उदाहरण दिया जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, उसमें बीज भी निकला। अगर हम संतों से, अगर भक्तों से कथा सुनेंगे तो भागवत से अमृत निकलेगा। अगर इधर उधर जो आचरणहीन व्यक्ति से सुनोगे फिर तो भगवत भक्ति नहीं, फिर तो वहां से बीज निकलेगा। इसलिए सुननी चाहिए वैष्णव से कथा सुननी चाहिए। तीसरा बताए बोले भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्यां काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरनाभ। कहते जो भागवत ग्रंथ में कोई दुनियादारी की कोई बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं है, बात है भगवान श्री बांके बिहारी की, भगवान राम की, भगवान नरसिंह देव की, और जो भगवान की जो शुद्ध संत हुए हैं नारद जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बर श्री महाराज, ब्रज गोपियों की कथा भागवत में, इनकी कथा है। श्री ब्रजेश स्तन है श्री भगवान बांके बिहारी की कथा है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले वो ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, बोले ठाकुर जी रहते हैं वृंदावन। बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले यद्यपि उनकी भक्ति सब भक्तों ने की है लेकिन ब्रज गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की ऐसे भक्ति दुनिया में कोई भी नहीं किए। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जब ब्रज में जाते हैं, ब्रजवासियों को प्रेम को दर्शन करते हैं, मैया जसोदा की, गोपियों की, राधा रानी की जब भक्ति दर्शन की, कितना उद्धव सुंदर हे गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय दुख की बाजे प्रेम की बोल। उद्धव जैसे भगवान की इतने बड़े जो संत हैं वो क्या चाहते हैं, बोले ब्रज गोपियों की चरण की धूल चाहते, राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं उद्धव जैसे भक्ति व्यक्ति। इसलिए भागवत में ये भगवान की भक्ति ब्रज गोपियां जैसे भक्ति करनी चाहिए, यही भक्ति ही जगत में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए गतकल हम लोगों ने जब कथा सुनी थी कहती ये पद्म पुराण की कथा है, कहती श्री स्कंद पुराण में भी बड़ी सुंदर भागवत की महिमा, उसको थोड़ी सी सुनेंगे। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके चले गए, मैया कुंती उसी समय में ही शरीर छोड़ दिया। बोले क्यों, बोले जगत में जब कृष्ण ही नहीं रहे पर ये शरीर रखकर क्या लाभ है। मैया कुंती मानो ये शिक्षा देती है तभी ये शरीर को धारण करनी चाहिए, अगर ये शरीर से भगवान की भक्ति, भगवान की भजन हो तभी ये शरीर धारण करो, नहीं तो भागवत कहते हैं जीवन सबो। अगर ये जीवन पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति, वो जिंदा मरना बराबर है। मैया कुंती शरीर छोड़ दी, पांडवों ने देखा कृष्ण चले गए तब उन्होंने वृंदावन का राजा बजरंगनाथ को बनाया और हस्तिनापुरी की राजा श्री परीक्षित महाराज को बना करके वो भी महाप्रयाण में चले गए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज वृंदावन में बजरनाम से मिलने गए। बोले बजरनाम सब ठीक ठाक है ना, बोले आपका आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल है, लेकिन मन में बड़े उदास है। बोले क्यों, बोले ब्रज में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान जब संसार में आते हैं वो धाम को लेकर के आते हैं,
और जब जाते हैं पूरा के पूरा धाम लेकर चले जाते हैं। आप लोगों ने कल सुना ना, जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़कर गए, अब देखेंगे रामायण पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, केवल एक हनुमान को छोड़कर गए जगत में भक्ति प्रचार करने के लिए। उसी तरह जब भगवान कृष्ण जगत से गए, पूरा वृंदावन सब लेकर चले गए, उनका सखा सखी ग्वाल बाल, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर गए तोते को, ये सुखदेव गोस्वामी को जगत में हरि भक्ति प्रचार करने के लिए, और दो चार भक्तों को ही छोड़कर गए। बोले यही लोग ही यथेष्ट है जगत में भक्ति को प्रचार करने के लिए। बोले मेरे को तो सुनी सुनी वृंदावन लग रही है, मन बड़ा उदास है, वृंदावन में कोई है ही नहीं। लेकिन श्री परीक्षित महाराज जानते हैं, कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर जाता नहीं। ये रहस्य किसको पता? बोले सांडिल्य ऋषि को, सांडिल्य को बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी सी ये वृंदावन की रहस्य को बताओ। तब तो सांडिल्य कहते हैं, वरुण श्रीतम दत्त चितौ में रहस्यम ब्रज भूमिजम व्यापनात ब्रज उच्यते, बोले गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योति। तब बोले देखो भगवान की लीला दो तरह का है, आप लोग भी समझो अच्छे तरह से। ठाकुर का लीला दो तरह का है, एक उनका वास्तविक लीला है और एक उनकी व्यवहार की लीला है। लेकिन जो व्यवहारिक लीला साधारण रूप में देखो, जैसे भगवान राम कृष्ण जगत छोड़कर चले गए, लेकिन अगर वास्तव रूप में देखोगे कृष्ण कहीं भी गए नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में परिपूर्ण रूप में अभी भी विद्यमान है। क्योंकि जो ब्रज धाम है गुणातीतम, ये त्रिगुण से अतीत भगवान की धाम है, सर्वत्र व्यापक ये वृंदावन धाम है। इसलिए आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन गए वृंदावन? सब गए, यहाँ के तो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। अब देखना वृंदावन में दो बहन है, कहते एक निकुंज वन और एक है निधु वन, गए कि नहीं दोनों बहन? आप देखना शाम को अगर कभी रात में रुकोगे वहां पर जो बंदर को देखोगे ना, उनको भगाने का जरूरत नहीं, ये बंदर अपने आप जंगल छोड़कर चले जाते हैं। वहां पर ठाकुर को फूल की सज्जा लगती है, लड्डू रख लेते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, तांतुन रख लेते हैं। सवेरे जाकर के देखोगे लगेगा मानो रात को कोई आ करके पुष्पों की सज्जा के ऊपर लिखे गए, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचेगा जोर जबरदस्ती हम रुकना चाहते हैं देखने के लिए, कोई तो गूंगा बन जाएगा नहीं तो प्राण सुन जाए। हमारे मंदिर के पास में ये निकुंज वन में दो दो व्यक्तियों को देखा तो एक व्यक्ति शरीर को छोड़ते हुए और एक व्यक्ति को देखा गूंगा बने, क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करने का बाद में कहते वो बोलने का लायक नहीं रह जाता है, कहते ये शरीर छूट जाती है। जिनको कलि युग में विश्वास नहीं है भगवान है कि नहीं, एक बार वृंदावन जाकर के एक बार ये निधुवन एक निकुंज वन में छुप कर रह कर देंगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ठाकुर है कि नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए बंगला में एक कवि एक भजन लिखते हैं, बोले एक नसई वृंदावन बंसी बाजे रे, एक नसई वृंदावन बंसी बाजे रे, एक नसई वृंदावन बंसी बाजे रे, एक नसई वृंदावन शैल ललना जलाते
अभी भी ठाकुर जी वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं, अभी भी ब्रज की गोपियां पानी भरने के लिए यमुना में अभी भी जाती हैं, अभी भी कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं। एक संत एक कथा सुना रहे थे, आप भी ध्यान देकर सुनो। मतलब एक समय कहीं एक संत कथा कर रहे थे, इसी तरह से एक चोर ने आकर के बैठ गया कथा में। वो संत कथा सुना रहे थे, जब मैया कृष्ण गोचरण करने जाते हैं, मैया जसोदा एकदम चरण से लेकर सर तक हीरे जवाहरातों से कन्या को श्रृंगार करती है, और कृष्ण का उम्र कितना, 5-6 साल का बच्चा है। इसको सुन करके चोर का तो कांतरा हो गया, बोले क्या 5-6-7 साल का बच्चे को मैया जसोदा हीरे जवाहरातों से श्रृंगार करती है। बोले भैया बड़ी अच्छी बात हमने सुन ली, जब कथा का विश्राम हो जाएगा ना, ये संतों से पूछेंगे वो बच्चा कहाँ रहता है। अभी वो संत एक जंगल देख करके जाते हैं, वो बीच में खड़ा हो गया। जब संत आए बोले बाबा थोड़ा से रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले आज आप कथा कर रहे थे, मैया यशोदा कृष्ण के लिए जवाहरातों से श्रृंगार करती है और 6-7 साल का बालक है, आप थोड़ा बताओ वो बालक कहाँ रहता है। इतने में संत डर गए, बोले भैया ये द्वापर युग की बात है, ये तो द्वापर युग की बात है। तो इतने में बोल दिया, देखो वो नंदगांव में एक टेर कदम स्थान है, टेर मतलब होता है बुलाना। कृष्ण जिस वृक्ष को पर चढ़ करके गैया को बुलाया करते थे, इसलिए उसका नाम टेर कदम है। बोले वो रहते हैं वृंदावन में, नंदगांव का टेर कदम में रहते हैं। अभी उसने आटे से पूछते 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 बड़ी दूर तक आई, और आ करके बोले कब वो वापस आते थे। बोले शाम को वो वापस आते हैं और सबसे पीछे रहते हैं। बोले बाप माला ही माल है। इतने में जो चोर था बड़ी उत्कंठा लेकर के आया, आ करके सोच रहा है कब ये कृष्ण को दर्शन करेंगे। और वो दो भाई एक कृष्ण और एक बलराम है, और उनको एक ही उम्र के, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के। वो बड़े उत्कंठा होकर के दिन भर सोच रहा है कृष्ण बलराम कब आएंगे, कृष्ण बलराम कब आएंगे। कभी पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखता है आ रहे कि नहीं, कभी नीचे उतरते हैं। देखो जो व्यक्ति भगवान की चिंतन करता है ना, धीरे 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 उसका जो हृदय है अपने आप साफ हो जाता है, अपने आप हृदय साफ हो जाता है। अभी कृष्ण चिंता करते 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 उसको धीरे धीरे हृदय उसकी धीरे धीरे अपने आप हृदय उसकी पवित्र होने लग गया। कृष्ण चिंता करते करते, क्योंकि इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं मिलता है। कहते प्रेमा जन छुरित भक्ति मिलो जने नाम, संत सदैव हृदय सो मिलो पयंतम। जब इन्हीं आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे तभी तो ठाकुर का दर्शन मिलेगा ना। लेकिन हमारे आंखों में तो काम क्रोध लोभ से भरा पड़ा हुआ, इन्हीं आंखों से कहा ठाकुर का दर्शन मिलेगा। लेकिन वो कृष्ण चिंता करते करते उसका हृदय पवित्र हो गया, सचमुच से उसने देखा धूल उड़ा है। बोले कितने गैया को लेकर जाते, बोले 9 लाख गैया जिनको साथ में। इतने में हृदय धीरे धीरे साफ होने लग गया, सचमुच से जब शाम हुआ ना, देखा बड़े दूर से धूल उड़ रहा है, तो पता चला भैया आ रहे हैं। अभी सचमुच से दिखा लाख लाख गैया आ रहे हैं, और सबसे पीछे ग्वाल बाल है, और सबसे पीछे कृष्ण बलराम। जब कृष्ण बलराम को पीछे, बोले बाप बढ़िया चीज है, सबसे पीछे हैं। इतने में जब उनको स्पर्श करने के लिए गए ना, बस भगवान को स्पर्श करते ही उसका हृदय एकदम निर्मल हो गया, और जो चोरी करने के लिए आया था ना, उसके हृदय में चोरी की भावना नहीं रह गई।
बोले ठाकुर के इतने सुंदर शरीर ठाकुर जी की, मैं कैसे इनके शरीर से अलंकार को कैसे उतारू। लेकिन ठाकुर जी बोले तुमने बोले अलंकार को लेने के लिए आया था ना, बोले लो। बोले प्रभु जी और आपके लेना नहीं चाहता, और लेना नहीं चाहता। बोले नहीं, तुम तो लेने के लिए आए थे, तभी ठाकुर जी कुछ दिए, जब दिए उसको लेकर के आए। वो जो कथा वाचक थे, वो जब जंगल पार होकर के जा रहे थे ना, बस चोर को पकड़ा तो डर गए। बोले मैंने तो कह दिया था ठाकुर जी नंदगांव में तेरे कदम पर गैया चराने चराते है, इसको तो भेज दिया। लेकिन वो तो द्वापर युग में था, अभी थोड़ी कली युग में है। वो तो डर गया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनके चरण में गिर करके बोले बाबा आपने जो एड्रेस बताया था ना, सचमुच से हमें कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। देखो ये अलंकार ठाकुर ने दिया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अगर ठाकुर जी को कोई हृदय से सचमुच से ठाकुर को दर्शन करना चाहे ना, आप वृंदावन में कभी जाओ, वहां पर दर्शन कर दे। एक स्थान का नाम झाड़ू मंडल, हमारी संप्रदाय में एक संत हुए कल युग में। जब गुरु जी से दीक्षा मंत्र ली, बोले बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक मेवा नहीं मिलेगा, जाओ वृंदावन में राधा रानी की सेवा करो। तो वहां पर गुरु जी बोले देख बेटा यहाँ पर निधुवन निकुंजवन, यहाँ पर रोज झाड़ू लगाया करो और राधा रानी की कृपा प्रार्थना करो। वहां झाड़ू लगाया करते थे, रो रो करके राधा रानी को पुकारा करते थे, राधे कब मेरे ऊपर इन आपकी कृपा होगी। जब वो ब्रज रज में लौट को उठाते थे, एक दिन राधा रानी दर्शन देने के लिए बहाना बनाए और अपना चरण की जो पाए नुपुर को छोड़ कर गए। वो संत जब घना घोर जंगल में झाड़ू लगा रहे थे, देखा वहां पर सोने की नुपुर पड़ा हुआ। तब उन्होंने नुपुर को लेकर के गुरु जी को दिखाई, बोले गुरु जी मेरे को जंगल में ये सोने की नुपुर मिला। गुरु जी तो साधारण थे नहीं, पर राधा रानी की सखी थे। बोले देख बेटा राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए उन्होंने बहाना बनाया, अगर कोई आए नुपुर लेने के लिए बोलना जिनकी चरण के नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से पहना दूंगा। अभी ललिता विशाखा आई, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी, चरण की कहीं नुपुर घूम गया, तेरे को मिला है? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनकी चरण के नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से पहनाऊंगा। बोले बाबा तू संत हो, वो हमारी घर की बहू है, तेरे को शर्म नहीं कर रहा है? हमारी बहू की प्यार में नुपुर पहना, वो संत हो करके अच्छा चाहते तो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाई बोले धुलाई होगी तुम्हारी। बोले जो कुछ बोलना बोल दो। गुरु जी ने कहा जिनकी चरण की नुपुर उनकी चरण में पहनाने के लिए। इतने में राधा रानी बोली उसको बोलो आंखों में ताला पट्टी बांधते फिर मैं आऊंगा। स्वयं राधा रानी वहां पर आती है, अरे ये संत राधा जी की चरण में नुपुर धारण कराती है। राधा जी की चरण स्पर्श होते ही इनके तो रोंगट खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई। इतने में बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक कृपा की मुझे दर्शन भी दिया करो। तो उन्होंने आंखों से काला पट्टी खोल दी, फिर उन्होंने राधा रानी को दर्शन दिया। अगर वृंदावन में आप जाओगे, ये जो मंदिर है, कभी अगर वृंदावन में जाओगे जाना जरूर। वो मंदिर का नाम राधा श्याम सुंदर है। राधा रानी अपना हृदय से ठाकुर जी को निकाल कर उनको दिया, वो राधा श्याम सुंदर मंदिर है। आप कभी वृंदावन जाओ तो जरूर दर्शन करना, अभी भी वो ठाकुर है और राधा रानी उनको तिलों को बीच में नुपुर से एक उन्होंने चिन्ह धारण करा दिया, काला चिन्ह। वहां पर देखो तो अभी भी ठाकुर जी उसी संप्रदाय के संत लोग हम जो ये तिलक लगाते हैं उसको बीच में नुपुर का चिन्ह को धारण करते हैं। इसलिए अभी भी ठाकुर जी पूर्ण रूप में वृंदावन में ठाकुर जी कहीं नहीं गए, लेकिन अगर हमारे हृदय पवित्र होगा तो ठाकुर जी उसको ही दर्शन देते हैं। बोले श्री वृंदावन की हरि लाल की जय हो।
क्षमा जोगी पायल की घुंघरू, राधे जोगी पायल की घुंघरू, धरती का रत्न बिखर गए पायल के घुंघरू। Thank you.
रही रही सारी जैसे जैसे लीला की थी उसी लीला के अनुरूप उन्होंने स्थान को प्रकाशित किया। जैसे बरसाना है, बोले इसका नाम बरसाना नाम क्यों पड़ा? बोले यहाँ पर राधा रानी के प्रेम की बरसात हो रही है, इसलिए उसका नाम है बरसाना। एक स्थान का नाम है जापट, बोले जापट नाम क्यों पड़ा? बोले एक समय कृष्ण ने सुंदर उन्होंने बंसी बजाई, उसी समय गोपियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी। सारे श्रृंगार तो हो चुका था लेकिन प्यार में आलता, प्यार में आलता, आलता लगाते ना, प्यार में जो मेहंदी लगाते हो अभी तक लगा नहीं। इतने में राधा रानी भागते भागते वहां पर आई, कृष्ण ने देखा राधा जी को तो सारे श्रृंगार है लेकिन अभी प्यार में आलता पर मेहंदी नहीं।
कृष्ण एक वृक्ष का पत्ते को रगड़ करके उन्होंने लाल रंग निकलता है, राधा जी के चरणों में उन्हें लगा दिया, इसीलिए उसका नाम जापट। जिस वृक्ष को नीचे जापक रस से राधा जी के चरणों को श्रृंगार की थी। एक स्थान का नाम है आज नौ। एक दिन भगवान बंसुरी बजाई, गोपियां श्रृंगार कर रहे थे राधा रानी को, सारे श्रृंगार तो हो चुका था लेकिन आंखों में काजल लगाना बाकी रह गई थी। राधा रानी भागते भागते आई, एक पत्थर के ऊपर में कृष्ण राधा रानी को बैठाए और उनको आंखों में काजल लगाए, लगा करके अंकुल को एक पत्थर के ऊपर उन्होंने घिस दिया। अगर कभी भाग्य होगा तो जाना देखना, अभी भी वो पत्थर को रगड़ तो उससे काजल निकलती अपनी आप। गोवर्धन में एक स्थान है जहां पर पत्थर को घिसो तो स्वाभाविक रूप में वहां से जो अलका जो मेहंद निकलकर रंग निकलती, इसलिए एक स्थान का नाम है पिजवारी। जब कृष्ण बलराम जा रहे थे, सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, उनने सबको तो समझाए, बोले राधा रानी को कैसे समझाऊं। जब आगे चले राधा रानी मेन रोड के ऊपर लेट हुई थी और बिजली जैसे शरीर से चमक रही थी, इसलिए गांव का नाम बिजवारी। एक स्थान का नाम कोकिल पर, कोई कोकिल बने जहां पर कृष्ण कोकिल स्वर से राधा रानी को बुलाया करते थे। एक स्थान का नाम कोसी जहां पर दरवाजा पर खटखटाए, राधा रानी बोली कोसी तुम कौन हो, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया कोसी। इसलिए उन्होंने सारे लीला भूमियों को प्रकाशित किया, प्रकाशित करके जो अभी इतने वृंदावन में आप ठाकुर दर्शन करोगे वो सारे ठाकुर इनके द्वारा स्थापित है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम जितने सारे ठाकुर इनको द्वारा स्थापित की है। कृष्ण तो ये संसार छोड़ करके चले गए, हम कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है, लेकिन तुम्हारी अंदर में कोई दुख नहीं दिख रही, क्या कारण है? बोले देखो मैं राधा जी के चरण में शरणागत हुई, मेरे को राधा जी की कृपा से पता चलता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं भी नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन है। लेकिन किसकी कृपा से ये पता चलता है? बोले श्री राधा रानी की कृपा से। इसलिए वृंदावन में जाओ सबके सब किसके नाम लेते हैं? अरे बोलो जोर से, और जोर से बोले राधा जी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बगैर वृंदावन की महिमा को कोई समझ नहीं सकते हैं। बोले भैया हम भी सबके सब श्री राधा जी की शरणागत होंगे। तो यहाँ पर श्री उद्धव जी बताते हैं, बोले देखो मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए थे? बोले जिस समय भगवान ने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, और भगवान विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। ये तीनों को उन्होंने तीन दायित्व दे दिया। इतने में ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी ये जो सृष्टि करना ये रजोगुण का काम है, आप बताओ ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर आप ये 7 दिन तक ये भागवत कथा श्रवण करोगे, भागवत कथा की प्रभाव से तुमको ये रजोगुण से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इतने में श्री विष्णु आए, बोले आपका आशीर्वाद से ये जगत को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे मैं पालन करूं? बोले देखो आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जिस समय में भगवान नारायण स्वयं कथा कहते हैं, ध्यान देकर सुनो कथा की कितने महिमा। ये कथा की प्रभाव से ही ये दुनिया में जितने सारे काम कथा की प्रभाव से होता है। इसलिए जब स्वयं नारायण कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ करके कथा सुनती है, वो कितने दिन में कथा को पूरी करते हैं? बल 1 महीना में। भगवान विष्णु
हम तो 7 दिन में कथा को समाप्त कर देंगे। अभी माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है, नारायण स्वयं बैठ करके कथा सुनते हैं, लेकिन मैया लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती है? बोले 2 महीना। मतलब नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं उससे ज्यादा सुंदर माँ लक्ष्मी सुनाते। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये संघार का काम तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिले? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुना। इसलिए जब स्वयं शंकर जी कथा सुनाते हैं वो कितने दिन में कथा को पूरी करते हैं? बोले 1 साल। क्योंकि जो शंकर जी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री भोले बाबा, क्योंकि भागवत कथा कौन किसको सुना है? अमरनाथ में शंकर जी माता पार्वती की कथा सुनाए थे, इसलिए शंकर जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए 1 साल तक कथा को पूरी करते हैं। अभी मैया पार्वती कथा सुनाती है, स्वयं शंकर जी बैठ कर कथा सुनते हैं। पार्वती कितने दिन में पूरी करती है कथा को? 2 साल। इसलिए माता पार्वती जब कथा करती हैं, शंकर जी कितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माँ पार्वती उससे भी सुंदर ज्यादा व्याख्या माँ पार्वती करती है। बोले क्यों? जो माता पार्वती वो वैष्णवी है, वैष्णवी देवी। आप देखोगे माता जी की गले में तुलसी टंगी है, स्वयं माता जी कोई संत दर्शन करने गए थे वैष्णवी देवी, सोचे पास में धर्मशाला में रुक गए, बोले दूसरे दिन ही हम माता जी को दर्शन करेंगे। लेकिन पहले वहां पर भैंस और बकरा का बलि चढ़ती थी, सवेरे उठते ही चित्कार शुरू हो गया, जितने भैंस बकरी चिल्ला रहे थे। इतने में उन्होंने पूछे लोगों को, ये सब आवाज कहाँ से आ रही है? बोले माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही। बोले क्या? और माता जी है ना, माता कभी बच्चों का खून पी सकती है क्या? इंसानी की बच्चा की दुनिया में और भैंस बकरी की बच्चा नहीं, वो संत बिगड़ गए। बोले ये माँ नहीं हो सकती है, चंडी है, हम इनको दर्शन नहीं करेंगे, उठा बिस्तरा, हम भूल से आ गए। जो बलि यहाँ पर चढ़ती है वो माँ कभी हो सकती है? जो इतने बोले मैया तो दुखी हो गई, इतने बड़े संत मेरे दर्शन वगैरह जा रहे हैं, उनने पुजारी को स्वप्न दिया, बोले ए पुजारी उठा जल्दी जल्दी, आज से मेरे पास में कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए, जो मेरे सामने बलि चढ़ाएगा उसको वंश समेत में नष्ट कर दूंगा, जब वो संतों को बुला कर मिलेगा। और बोलो गले में तुलसी कट्टी मेरे को बांध करके जाए, तो उन्होंने संतों को मना करके लाए, वो संत आए आ करके माता जी के गले में, जैसे हम लोग तुलसी कट्टी पहनते हैं ना, वैष्णवी है हम लोग, वैष्णव वैष्णवी है, वो संत फिर माता जी के गले में तुलसी कट्टी पहना दी। तभी जब तभी से माता जी का नाम पड़ गई वैष्णवी देवी नाम पड़ गई। इसलिए तुलसी कट्टी गले में धारण करनी चाहिए। इसलिए माता जी जब कथा सुनाती हैं 2 साल में कथा पूरी करते हैं। देखो जितने माता हैं, ये मत समझना ये कथा केवल पुरुष लोग ही कथा सुना सकते हैं। देखा ना, महालक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती है, माता पार्वती स्वयं कथा सुनाती है, आप लोग भी कृष्ण भक्ति को प्रचार करना, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति को जगत में प्रचार करना। और हमारी एक गुरु बहन है, हमारी बड़ी गुरु जी की, वो रहती है ग्रेटर नोएडा। अभी जहाँ से हम कथा को छोड़ विश्राम करके आए, वो माता जी एक विशाखा दीदी है, वो ग्रुप में कथा करती है, जूम में कथा करती है, और उन्होंने एक कोर्स अभी कराती है, गीता की भागवत की कोर्स करवाती है, सभी को श्लोक एक सप्ताह में एक श्लोक याद कराती है, और उनको धीरे 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 भक्ति में ट्रेंड करती है। फिर वो भी भगवान की कथा सुनना शुरू कर देते हैं, भगवान की कथा करना शुरू कर देती है, ठीक है। इसलिए लास्ट में आप लोगों को मैं उनकी फोन नंबर दे करके आपको वो जूम में जोड़ कर जाऊंगा। अगर सचमुच से आप भक्ति करना चाहते हो, जैसे हम चले जाते हैं 2-3 साल में एक बार आए, हमने देखा कुछ लोगों गले में तुलसी कट्टी उतर गए, कुछ लोग माला कर रहे थे, माला करना छोड़ दिए, तिलक करना छोड़ दिए, क्यों? संगत ही नहीं, कितना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिना
सुलभ नाश होई। जब तक हमें संग नहीं मिलेगा ना, हम कभी भी भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए उसी ध्रुव में आपको मैं सबको मैं जोड़ करके जाऊंगा। फिर तो आप घर में बैठी बैठी करके आप भगवान की कथा सुन सकते हो और भगवान की भक्ति में बड़ा पक्के बन जाओगे। ठीक है, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए देखो हरे कृष्णा। हाँ देखो इधर, कल मैंने बताया था श्रोता दो तरह के। कितने तरह के श्रोता हैं? एक है श्रेष्ठ श्रोता और एक घटिया श्रोता है। और जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह के बताया था, बताओ तो एक कोई एक श्रोता का नाम बोल सकते हो? किसको याद है? कौन बोलेगा? हाथ उठा, बोलो माता जी, बोलो कि हाथ तो उठाया। और इनके लिए ताली हो जाओ। आप लोग कोई भी कथा नहीं सुने हो, इधर सुने और इधर निकल करके चले गए। अरे कम से कम कथा से तो कुछ लेकर के जाओ ना, पल झाड़ करके जाओ यहाँ से। सात दिन में इतने कथा सुनो, इधर उधर घूमना नहीं, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। आप अगर ध्यान से कथा सुनोगे तभी तो दूसरों को कथा सुना सकते हैं ना। तभी तो ये भक्ति एक दिन संपूर्ण हापुर में घर घर में प्रभु के नाम होगी, घर घर में हरि कीर्तन होगा। और जिस घर में हरि कीर्तन भगवान के नाम हो वही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन धाम बन जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं हापुर का घर घर वृंदावन धाम बन जाए। ठीक है ना? अभी ध्यान से सुना भगवान की कथा को, अच्छे तरह से सुना। सुन करके यहाँ से कुछ ले करके जाओ और घर में जा करके बहु बेटी जो बच्चे होंगे उनको भी कथा सुनाना है। इसमें पल्लू झाड़ू ले जाओ, एकदम एक मन से कथा सुनना। कल मैंने कहा था ना, एक कॉपी एक पेन लेकर के आना, कथा को नोट करना। कोई लाए हो? कोई नहीं लाए तो फिर क्या क्या लेकर घर में जाओ? ठीक है, प्रभु जी आपके भजन सुनाएंगे। कौन सा भजन?
नहीं लगता भगवान के चरणों में, प्यारे जी के चरणों में बार बार गुरु बहन जब हमको समझाने आते हैं, लेकिन मन ये दीवाना है, संसार के कारों में मदमस्त होकर के रहता है, लेकिन गुरु बहन का बार बार समझाते हैं नहीं मानता ही। आइए हरे कृष्णा जो नाच करके हरे हो के नाच दीवाने मन हो दीवाने मन देखिए आप लोगों के लिए नहीं, ये मुझे बार बार गुरु कृष्ण समझाते हैं, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है, ये नहीं भगवान के चरणों में डाली चरणों में रखता है। हेलो श्री राधे राधे दीवाने मन देखिए भगवान को मेरे में हाथ वो इत्यादि है, मैं निवेदन करूँगा ताली खुद करके बजाकर के आनंद लेंगे। मन को समझाने की बात है, यहाँ पर गुरु वैष्णव विराजमान है और यहाँ गुरु वैष्णव होते हैं वहाँ ठाकुर जी हमको सुन रहे हैं, लालजी जी हमको सुन रहे हैं। दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे दीवाने मन राधे राधे कहियो राधे राधे कहियो राधे राधे कहियो राधे राधे कहियो।
राधा नाम के रघुपुत्र थे, अनन्नास कर मौसमी कर अनन्न रस हम श्री भूत से पीते थे। लेकिन महाराज जी जो कथा हमको श्रवण कराए हैं वो हम कानों के द्वारा पी रहे हैं। राधा नाम के और जिनको भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं वो कैसे ताली बजा सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, अगर इनको भगवान की चरण सेवा में नहीं लगाओगे ना, क्योंकि यहाँ हमारे गुरु वैष्णव हो गए ना, और ठाकुर जी फिर आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु वैष्णव होते हैं ना, ठाकुर जी हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर कहीं डिस्को हो रहा होगा तो आपसे मैं ताली बजाने के बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वहाँ बिना निवेदन के आप सब नाचने के लिए मदमस्त हो जाते। लेकिन गुरु वैष्णव या विराजमान है कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो वैष्णव जो भक्त होंगे वो जरूर ताली बजाएंगे खुल करके, क्योंकि ये हाथ घिस नहीं जाएंगे, पता नहीं दोबारा हमको मिलेंगे भी कि नहीं। कोरोना में कितने सिक्के हैं आप देखिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो दो मिनट लूंगा होरी वो
जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो तीन श्लोकों को द्वारा मंगलाचरण करते हैं। बोले मंगलाचरण का तात्पर्य है कोई भी हम काम करे अगर भगवान को स्मरण करते हुए करे, कहते ना मंगल भवन मंगल भवन मंगल हरि, भगवान का नाम को स्मरण करते हुए करेंगे तो सारे काम बढ़िया बढ़िया होगा। इसलिए ये मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है कि ये भगवान को ध्यान करते हैं। बोले भैया किसको ध्यान करते हैं? बोले श्री बांके बिहारी को ध्यान करते हैं। बोले सत्यम परम धीमहि, कहते ये परम सत्य को ये ध्यान करते हैं। अभी प्रश्न होता है वो परम सत्य है कौन? कहते इसी विषय पर शास्त्र में तरह तरह का बात आती है। जो ब्रह्मा को उपासना करते भैया ब्रह्मा जी परम सत्य, जो शंकर जी को उपासना करते ये शंकर जी, कहते जो मैया देवी को उपासना करते ये मैया देवी हैं। लेकिन इसी विषय पर तरह तरह का सब तर्क वितर्क है। लेकिन हमारे श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले भैया जो परम सत्य है ना ये केवल श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी की जय हो। तब यहाँ प्रश्न करते हैं आप बांके बिहारी को कैसे बोल दिए? इसलिए कहते जब ठाकुर जी गर्भ में आएंगे हम परसों सुनेंगे वो 33 करोड़ देवता एक साथ में भगवान को स्तुति करते हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपन्ना। बोले परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र। लेकिन हमारे कुछ रस्सी भी टीकाकार लोग कहते हैं क्या केवल कृष्ण को ही ध्यान करते ना और किसी को? बोले नहीं केवल कृष्ण को नहीं, बोले श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हैं। क्योंकि अकेला जो कृष्ण भक्ति शास्त्र में बताया नहीं करनी चाहिए। इसलिए संत लोग कहते हैं अकेले जो कृष्ण को पूजा करते हो अज्ञानी है। अगर किसी को ब्रज रस चाहिए कृष्ण भक्ति रस चाहिए
बोले जब तक श्री ईश्वर जी की राधा जी की कृपा नहीं होना भैया बांके बिहारी बोलने वाले नहीं। कोई एक रस्सी के संत हुए, उनने बड़ा सुंदर एक पद लिखा था, मैं तो कृष्ण श्याम रंग में रंगी, बोले श्याम रंग में मैंने रंग गया। बड़े बड़े संतों को पास में गया, संत लोग बड़े बाबा थे, बोले बाबा सचमुच से बड़ा सुंदर पद था। लेकिन ये पद जब श्री जीव गोस्वामी इनको पास में गया तब उन्होंने एक श्लोक को उन्होंने कोट करके उन्होंने भेज दिया, बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटविन असंभास तद भाव गंभीर चिता उतम श्याम सिंधु रस श्याम गाओ। बोले अगर तुम कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहते हो पहले तीन चीज को अपनाओ फिर तो तुमको कृष्ण भक्ति मिलेगा। ध्यान देकर सुनो तीन चीज क्या है। बोले भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखना कृष्ण तीन तरह से टेढ़े हैं और उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी गिरी है, इसलिए कि संत भजन गाते हैं बोले तो टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया तो टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया तो टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया तो टेढ़ो तेरी तेरी गोकुल तेरो टेढ़ो यमुना तेरो टेढ़ो कृष्णा तीन जगह से टेढ़े उनका गोकुल भी टेढ़ी यमुना भी टेढ़ी सब टेढ़ो, लेकिन वो टेढ़े टांग वाला को कोई अगर कंट्रोल करना चाहते हैं उन्होंने तीन मंत्र दिया जिसको आप ध्यान करके सुनाओ। ऐसे कौन सा तीन चीज अपनाओगे और टेढ़े टांगे वाले अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएंगे। पहला मंत्र है बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, बोले जब तक श्री राधा जी की चरण की धूल का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। बोले दूसरी चीज क्या है, बोले राधा रानी के चरण तो करा अंकित तो जो वृंदावन धाम है, बोले जब तक ये वृंदावन धाम का आश्रय नहीं करोगे। सबसे जो महत्वपूर्ण है राधा जी की भक्ति रसों में जो संतों को डूबे हुए हैं ऐसे संतों को तुम्हें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। जिस संप्रदाय में राधा रानी की विशेष करके सेवा की जाओ ऐसे जब तक संतों का आश्रय नहीं लोगे ना भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले श्री किशोर जी की चरणों को आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए पहला श्लोक में केवल कृष्ण की पूजा के लिए नहीं कहते हैं, राधा कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान की जो माया है वो ऐसे ठाकुर जी की माया है जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी माया में मुग्ध हो जाते हैं। हम लोग आगे सुनेंगे इंद्र भी जिनकी माया में मोहित हो गए, ब्रह्मा भी जिनकी माया में मोहित हो गए, 33 पर्व देवता को जो मोहित कर देते हैं ऐसे कौन है, श्री बांके बिहारी और राधा रानी। बोले श्री विवल सरकार की जय हो। प्रथम श्लोक में ध्यान राधा कृष्ण को करते हैं, लेकिन जो मंगलाचरण का दूसरा श्लोक है भागवत प्रतिज्ञा लेता है, बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र परम निर्मात शरणम सतां वेद्यं वास्तवं वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मिलनम। दूसरे श्लोक में बताए देखो भागवत कथा की कितने महिमा, एक श्लोक में उन्होंने तीन प्रतिज्ञा की। बोले भागवत में पहला प्रतिज्ञा है भागवत में कहते ये धर्म अर्थ काम ये तो है ही नहीं, यहाँ तक भी मुख्य की बात भी भागवत में नहीं।
सब कहते ना मुक्ति मुक्ति मिल जाए, भागवत ने ये मुक्ति को भी स्थान नहीं दिया। जो मुक्ति है, मुक्ति मतलब जो चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाकर के लीन हो जाए। कहते भैया भागवत से यहाँ से निकाल दिया, पर भागवत में किया है बोले भगवान की प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति यहाँ पर बताए गए। बोले भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, बोले परम निर्मल सरनाम सदा। ये शुद्ध संतों के लिए जिनके हृदय में कभी मत्सरता नहीं हो, मत्सरता मतलब क्या है, दूसरे की भलाई देख करके जो दुखी हो जाए। हम संसार में दुखी क्यों जानते हो, अपना दुख में दुखी नहीं है, दूसरे के सुख में दुखी है। बोले हमारी एक मंजिल उसका तीन मंजिल, हम साधारण कार्य में चढ़ते हैं तो वो कार में घूमते हैं। इसलिए हम अपना दुखी में जितने दुखी है ना, पराई का सुखी में जाता दुखी है। इसलिए हृदय से ये मत्सरता को त्याग देना पड़ेगा। इसलिए दूसरा जो शब्द है बोले दैत्यम वास्तव मत्रम, बोले भागवत में जो वास्तव सत्य जो भगवान की जो प्रेम भक्ति को ऊपर में बताए। और जो तीसरा अस्त्र है, देखो कथा की कितने महत्व, जैसे ये मंदिर में कथा हो रही है, आप अभी घर में बैठे हो, पता चला यहाँ पर कथा हो रही है, अभी कथा में आए नहीं घर में बैठे हो, अगर इसकी इतनी मात्र इच्छा हो जाए मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, अगर इतनी इच्छा हो जाए, अगर कोई बोले दहेज तू चले जा घर का काम मैं कर लेती हूँ, इतना कोई अगर इच्छा करना उसी समय में ही बांके बिहारी उसके हृदय में। जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में जाए और अपने आप को अंदर से कुंडी से बंद कर दे, उसी तरह ठाकुर जी उसके हृदय में बंध जाते हैं। ऐसे बंध जाते हैं उसके हृदय से ठाकुर निकल नहीं पाएंगे, केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही। लेकिन सचमुच से जो आ करके भागवत कथा में बैठ गए और जो भागवत कथा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनसे जगत में इससे बड़े पुण्यात्मा जगत में कोई भी नहीं हो सकते हैं, कोई भी पुण्यात्मा नहीं हो सकते हैं। आप लोग ने ताली नहीं बजाई कितने पुण्यात्मा जो कथा सुनने के लिए आए हो। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कथा कौन सुन सकता है, बोले सभी नहीं सुन सकते, बोले सुसुर सुधी जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय हुआ वही कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हमने कोई पुण्य ही नहीं किया कथा नहीं सुन सकते, बोले आओ तो कथा में बैठो, बैठते ही अपने आप कथा सुनते सुनते तुम पुण्यात्मा अपने आप हो जाओगे। कल कथा सुन रहे थे ना वाल्मीकि ने रामायण लिखने से पहले जो महिमा बताए, कहाँ इतने पापी दोनों पति पत्नी थे, जिसने पति की हत्या कर दी और जिसने सारे हर तरह का धंधा काम किया था, जितने सारे पाप कर्म हैं, अनजान में 9 दिन तक प्रभु राम की कथा और प्रसाद प्राप्त किया हुआ, कहाँ ब्रह्म लोक में, कहाँ वैकुंठ लोक में, कहाँ स्वर्ग लोक में और कहाँ मर्त्य जगत में उनकी राजत्व की प्राप्ति की, अनजान में जो कथा सुने। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर होए, अति हरि कृपा जा पर आशीर्वाद क्या देता है।
सुखमुखात अमृताद्रवसंयुतं पीवता भागवतं रसमालयं मौरा रसिका भुवि भावुका। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम लोग सब कल्पवृक्षों पर नीचे बैठे हैं। कल्पवृक्ष कहते हैं किसको, बोले जो मांगो वही दे देगा, जो इच्छा करोगे। कल सुन रहे थे ना, अगर 7 दिन तक सचमुच से कोई नियम से बता सुना, नियम होनी चाहिए ऐसे नहीं जब इच्छा आ गए जब इच्छा खड़े होकर चले गए। 7 दिन में अगर कोई नियम से भोजन करके झूठ नहीं बोले, झगड़ा नहीं करे और नियम से कथा सुने 7 दिन में आप जो मांगोगे ये भागवत आपको 7 दिन में ये कल्प वृक्ष है सारी इच्छा को ये पूरी कर देती है। ये श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए आप लोग कथा में नहीं बैठे हो, अपने कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हो, ये सारी इच्छा को पूरी करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात हम समझाते हैं, ये भागवत तो सारी इच्छा पूरी कर देगी लेकिन भागवत से छोटे मोटे चीज मत मांगा करो, बड़ी चीज को मांगो। ऐसे एक चीज को मांगो जिसको पाने से जीवन का समस्त दुख कष्ट, इसी जगत का दुख कष्ट दूर तो हो ही जाए और जन्म जन्मांतर के लिए हमारे जितने दुख कष्ट खत्म हो जाए। ऐसे चीज ये भागवत से मांगो, छोटे मोटे चीज नहीं मांगने चाहिए। उदाहरण देकर समझाए, कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उन्होंने धन कुबेर की आराधना की। धन कुबेर जानते हो, स्वर्ग में जितने सारे सोने चांदी और जितने खजाना की जो मालिक है, सारे धन दौलत के मालिक, तब उनकी आराधना की। कुबेर खुश हो गए, बोले बेटा कर मांगो। लेकिन वो गरीब ब्राह्मण था, उसको पास में एक गैया थी, बोले मेरे को गैया की खाने के लिए थोड़ा चूना भूसी दे दो। बोले बेटू तुम किसको पास में क्या मांग रहे हो, धन कुबेर हूँ, इतने में तेरे को धन दौलत दे सकता, तू भी खा, तेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे भी खाएंगे ना, खत्म नहीं होगा, इतने में तेरे को संपत्ति दे सकते, काम क्या मांग रहे हो, हैं? गैया के खाने के लिए चूना भूसी मांग रहे हो। इसका मतलब है ये भागवत हमें ऐसे एक संपत्ति दे सकती है जो इसी जीवन में सुख, इसको बाद में आनंद ही आनंद है। कहते वो क्या है, बोले भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति भागवत से मांगो। अगर भक्ति धन मिल गया ना, आप समझो जीवन में सारी धन तुमको मिल जाएगी, उसी धन के लिए प्रार्थना करनी नहीं चाहिए। अगर तुमके भक्ति प्रेम और सेवा धन मिल गया, अब तब हनुमान जी कितने बड़े संत रहेंगे, हनुमान जी को पास में किसी चीज की कमी है क्या, बताओ किसी चीज की कमी। जब भगवान हनुमान जी राम भगवान राम हनुमान जी को बोले हनुमान जी बर मांगो, हनुमान जी क्या कहता है, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पदा सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हनुमान जी से मांगना सीखो, बोले प्रभु एक बार नहीं बार बार तुम्हारी चरण में प्रार्थना करते हैं, बोले क्या चाहते हो, बल हमें अनुपायिनी निष्काम भक्ति और संतों की संग और तुम्हारे चरण की सेवा। इसलिए जब राम दरबार में हनुमान जी कहाँ बैठे थे होते हैं, राम के चरण में खड़े हैं, प्रभु राम की सेवा करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। देखो भगवान को उन्होंने कैसे भगवान राम को वशीभूत कर दिया, कैसे भक्ति। इसलिए भागवत से क्या मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, वो अपनी आप सब इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अगर भक्ति रूपी धन तुम्हें प्राप्त हो गया। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले जो श्रीमद् भागवत है, बोले निगम कल्प तरुण गलितम फलम, बलि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का भागवत ये पका हुआ फल है। एक तो पका हुआ फल है ही है, फिर उसमें सुखदेव गोस्वामी की मुखार विदस की कथा निकली, श्री सुख पक्षी ने उसे चोंच मारी। अगर कोई फल पका हुआ हो,
अगर उसमें तोता ने चोंच मार दिया ना तब उसमें और ज्यादा सा मिठास आ जाता है। और सूप का तोता का एक स्वभाव है, वो किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, वो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारता है। मतलब ये जो श्रीमद् भागवत है ये पक्का हुआ फल, ये कच्चा फल नहीं है। इसलिए क्या करो, यदि सुखदेव गोस्वामी है कौन, बोले प्रिया सुख स्त्री वृषभार में जाया। मतलब जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जब कथा निकली, और राधा जी की एक सखी है, वो कथा में इतने मिठास है, इतने मिठास है, कहते भैया खूब कथा रूपी रस को खूब पान करो। तब यहाँ प्रश्न कहते हैं, आप तो उधर बताया ये फल है, आप फल को पीते है ना, फल को खाते हो, आप लोग बताओ, फल को खाते है ना, फल को पीते हो, खाते है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पियो। बोले पिएगे कैसे, बोले इसमें फल तो है लेकिन उसमें गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं, इसमें गुठली भी नहीं, छिलका नहीं, इसमें केवल रस ही रस है। जैसे किसी चीज को जब हम पीते हैं, आप लोग बताओ मुंह से पीते हैं ना कानों से पीते हैं, मुंह से, लेकिन अभी जिस रस को पान कर रहे हैं किधर से पी रहे हो, कानों से। बल्कि ये रस को मुंह से नहीं पी जाती, रस को किधर से पी जाती है, कानों से। बोले मुंह कानों में पीने का फर्क समझो, आप कोई भी चीज मुंह से पियोगे रहेगा नहीं, निकलेगा शरीर से निकलेगा जो कुछ पियोगे, लेकिन अगर कोई चीज कानों से पियोगे तो निकलेगा, वो कभी निकलेगा नहीं। बोले ये भागवत रस को मुंह से नहीं, इसको कान से पियो। बोले भैया पीते तो वह सब निकल जाती है, टिकती नहीं, क्योंकि हमारी अंदर में छेद ही छेद है, काम क्रोध लोभ मोह छेद ही छेद है, कभी ये निकलती नहीं। फिर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देकर समझाए, बोले भले ही तुम्हारी अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर ये रस को पियोगे ना कभी भी निकल नहीं सकती, अंदर में टिकी रहेगी। एक उदाहरण देकर समझाए, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर दे पाएगा। जैसे एक घड़ा है जिसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें कोई चीज डालो तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है भले ही घड़े में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, ऐसे कौन सा उपाय है। कौन बोलेगा, पीछे से बोलो। आप लोग देखो घड़े को पानी में डूबो करके रख लोगे ना, लेकिन उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि हमारी अंदर में काम क्रोध लोभ मोह है सभी के अंदर में, लेकिन कथा रस में अगर हर समय डूबे रहोगे ना एक बूंद भी निकलेगा नहीं। ये काम क्रोध लोभ तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसका प्रमाण देख लो, जैसे आप लोग कथा में बैठे हो लेकिन काम सता रहे ना, क्रोध सता रहे ना लोभ सता रहे, कोई भी सता नहीं सकते, क्यों, कथा रूपी नदी में आप डूबे हुए हो। इसलिए कहते हैं मुहु रहो भैया, हर समय कथा रस में डूबे रहो, कभी निकलना नहीं। हर समय क्या करते रहो, भगवान की भजन करते रहो, भगवान के नाम करते रहो, जो कुछ करते हो हाथ में ठाकुर की सेवा करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। घर में रसोई बनाते हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगे। पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा कमा रहे हो। अपना शरीर को श्रृंगार कर रहे हो, बोले क्यों, बोले अच्छे कपड़े पहने के तब तो ठाकुर को सेवा करें। इसलिए हर चीजों में प्रभु को दर्शन करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम, बस यही भजन और क्या है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो आज एकादशी, आपको पता है कि नहीं एकादशी, आज अगर एक बार ठाकुर का नाम करो ना 100 बार नाम लेने का मजा मिलेगा, कितने भक्त है यहाँ पर, कितने भक्त बैठे हो, 300-400 भक्त बैठे हो, एक बार अगर ये हरे कृष्ण नाम करोगे ना सबको कान में जाएगा,
एक बार नाम किया तो 400 बार नाम करने का बल लगा, इतने महत्व है। इसलिए सबके सब जोर से बोलो, क्योंकि जो बोलेगा ना उसको मुंह से पाप निकल जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर? जो बोलेगा नहीं, जो बोलेगा नहीं, इसको सर के ऊपर सबका पाप बैठेगा। इसलिए सबके सब बोलो मेरे साथ में, बोले हरे कृष्ण घुमा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ओम नैनी से अनिमे से कैत्रे मतलब जहाँ झगड़ा का जो है, जहाँ पर भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, अब पता होगा देश देश में लड़ाई हो रही, कभी मन मन में भी लड़ाई हो रही है हमारी। मन एक मन कहता है ये करो, दूसरा मन कहता है ये नहीं ये करो, हैं? इसलिए ये मन मन में लड़ाई, ये कलयुग है। अब ये कलयुग से डरते हुए ये सौनकादि लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम कैसे बचेंगे? बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करो। वो चक्र जाकर के गिरा नैमिषारण्य में। आप लोग कहीं गए हो नैमिषारण्य में? कोई एक एक दो व्यक्ति गए, अब बताओ कौन जाना चाहते हो? सौंपे बार ले जाएंगे, कौन नैमिषारण्य में जाना चाहते हो? जाना भी नहीं चाहते हो, गए भी नहीं, हाथ भी नहीं था, तो जाओ कैसे? गए हाथ उठाओगे तब तो जाने जाओगे ना। इसलिए वहीं पर ये स्वर्णकांत ऋषि लोग हजार सालों से वहां पर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते 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 उनकी हृदय तक भी जल गया, लेकिन मन में कोई शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री उग्र सभासद तो वहां पर आते हैं, जिसका बुद्धि बड़ा तीव्र बुद्धि, जो एक बार सुने सब चीज को जो याद कर लिया। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर जब आए, सौनकादि ऋषि लोग बड़े खुश हो गए, देखो आज हमारे अहो भाग्य है, आज संतों का दर्शन हमें मिला है। तब उन्होंने उनका आसन देख करके बैठाए, बोले हे सुत गोस्वामी, बोले ब्रूही सिद्धस्य शिष्यस्य, बोले आप गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास है आप लोगों ने सब कुछ आपने प्राप्त किया। बोले गुरु जी किसको ये सारे विद्या प्रदान करते हैं, यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, बोले जब तक हृदय निष्कपट नहीं होना, जब तक हृदय तुम्हारे निष्कपट नहीं हो है, तो वो ब्रह्म विद्या को हम कोई ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वो ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने चाहे के लिए यहाँ पर कहते पात्रता क्या? बोले सरलता। क्या है? जोर से बोलो। बोले पात्रता सरलता होनी चाहिए, कपटता से कभी हम विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर जो कपटता पूर्वक गुरु जी से विद्या सीखेगा उसका शिक्षा कोई काम में नहीं रहेगी। आप लोगों को पता होगा कर्ण ने किसकी सेवा की थी? तो गुरु जी कौन थे? कौन थे मेरा गुरु जी? परशुराम थे। आप महाभारत देखे होंगे ना, उन्होंने परशुराम की, उन्होंने झूठ बोले में ब्राह्मण बोल करके परशुराम से उन्होंने विद्या को प्राप्त किया। लेकिन एक कीड़ा जब उनके पैर में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें सहन कर लिया, गुरु जी समझ गए तू कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, ब्राह्मण में कभी ये सहन शक्ति नहीं होती है, ये क्षत्रिय में होता है। सही बताओ तू है कौन? बोले मैं क्षत्रिय हूँ। बोले गुरु जी को धोखे दिए हो? अभिशाप देता हूँ, जितने सारे विद्या को तुमने मेरे से ग्रहण किए, जब सबसे प्रयोजन का समय आएगा वो विद्या तुम्हारी कोई काम में नहीं आएगी। सचमुच से जो अर्जुन से युद्ध हो रहा था, वो कोशिश कर रहा था मंत्र को स्मरण करने के लिए, कोई मंत्र याद नहीं आया। इसलिए यहाँ पर सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं
सुत गोस्वामी को, अगर गुरु जी से वो ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त करना चाहते थे, हृदय क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कपट होने पर कभी गुरु जी से विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए गुरु जी से सरलता पूर्वक गुरु जी से विद्या को प्राप्त करनी चाहिए, तभी गुरु जी शिष्य के हृदय में वो ब्रह्म विद्या को प्रदान करता है। भले आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे वेद पूरा